हेलो। थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था तो उसकी वजह से ये अपनी क्लास रुक गई थी। अब मैंने दोबारा से लिंक सेंड कर दिया है तो कनेक्ट हो जाओ। एक बार मैं इसको दोबारा से चेक करना चाह रहा था। इट इज ग्रीन नाउ। ठीक है, तो कनेक्टेड अगेन। ठीक है, चलो कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, सो उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, बट हो गया है। चलो कोई नहीं। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं। चलो, और बाकी लोग भी आ जाएंगे अब धीरे धीरे, लगभग सब आ गए हैं। तो अब इसमें अपना क्या था, जूनागढ़ वाली मैंने आपको बताई थी। अमित, नेट प्रॉब्लम कहीं भी आ जाती है। शशि, क्लास से बाहर क्यों निकालेंगे यार? ठीक है, तो ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं लाने। डो नॉट थिंक लाइक दिस। चलो, अब दोबारा से अपन आ गए हैं कनेक्टेड अगेन। अब अपने पास क्या है, देखो ये सारा अपन ने चेक किया था। मथुरा मैंने बता दिया, फिर उसके बाद रुद्रमन। ये मैंने क्या कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना चलता है वो यही था कि रुद्रमन। तो इसमें एक तो शाका रूरल रुद्रमन, और इन्होंने बहुत सारे जो लेक्स थे उनको भी जीता था। देन आपका सुदर्शन लेक, इसको पहले बनाया गया था, फिर इसको रिपेयर किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के टाइम पे। अब अपन ने ये भी देखा था कि उन्होंने टैक्स कोई भी इम्पोज नहीं किया, अपनी जेब से सारे के सारे पैसे खर्च किए थे। लक्ष्मी और विष्णु सबसे पहले इसी इंस्क्रिप्शन में आपको मिलते हैं। देन अगेन सेवन स्टार, 11 स्टार मैंने चीज बताई थी। राम राम साई गो, तू तो आ जा तन्ने कौन रोक का गण। तो अब उसके बाद अपना है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का अपना आता है अलाहाबाद। ठीक है, अलाहाबाद की प्रसिद्ध इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्या है, हरिसेन। हरिसेन ने ये लिखी थी, प्रयाग अलाहाबाद, ये दोनों देखने हैं। और जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया था, महासंधि विग्रह है, यानी पीस और ये वाले। और फिर सारी यही चीजें हैं, संस्कृत में लिखी गई थी। कोई नहीं, उन्होंने 9 जो आपके राजा थे उनको हराया था। कविराज वो थे, पैट्रंस उनको जो देते थे, और नारद तंबूरा, ये अपन ने चेक किया था कि भाई वो भी शर्मा जाते थे उनके सामने। ठीक है, ईरान इंस्क्रिप्शन आपका आया था, 2 जगह ईरान इंस्क्रिप्शन था। समुद्रगुप्त, जहां पे कि भाई इन्होंने सारों को अपरूट कर दिया था, सारे के सारे राजाओं को। ठीक है, सर्व राज्य छेता, दत्ता देवी से इनकी शादी हुई थी, ये मेंशन था। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे ए बी मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, अग्रहार ब्रह्मा, ये अपना था। गया कॉपर प्लेट, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्ता टू उदयगिरी, उदयगिरी में अपन ने देखा था मध्य प्रदेश। उदयगिरी मैंने 2 जगह बताया था, मध्य प्रदेश भी है, और दूसरा क्या है वो आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, तो उदयगिरी वाला अपने को ध्यान रखना है। देन फिर अपन ने मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो चंद्र आपके थे चंद्रगुप्त से उन्होंने रिलेट किया था। चंद्रगुप्त 1 कॉपर प्लेट, ये अपन ने चेक किया था। फिर मैंने बताया था गिल्ड, ये जो आपका था गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स माइग्रेटेड, क्योंकि वहां पे आपकी सिल्क इंडस्ट्री है वो कम होती जा रही थी। स्कंद गुप्त, अगेन गुप्ता इन्होंने अपॉइंट किए थे जो प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे। डायरेक्टली सवाल आएगा गुप्ता क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो चलो हो गया। उसके बाद इसकी स्कंद गुप्त, इंदौर कोपर प्लेट, ईरान। ईरान जो ये भानु गुप्ता वाली थी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सती प्रथा का सबसे पहला मेंशन यहीं पे मिलता है, ये अपन ने लास्ट में चेक किया था। देन हर्षवर्धन का था बाणशेखर, बाण बाणशेखर, बाण से अपन ने हर्षा को ध्यान रखा था। ये ठीक है, हॉक निभाजन ममता, ठीक है, उड़ीसा, ठीक बात, उड़ीसा इज द राइट आंसर। उदयगिरी कंदगिरी, यूके, यूके केव्स थी जो आपके जैन स्कॉलर्स या आजीविका सेक्ट को दी गई थी। फिर अपना यशोधर्मन, ठीक है, मिहिर भोज, कोई नहीं। विजय सेन, विजय सेन फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी अपन ने देखा था। पुलकेशिन, पुलकेशिन को अहिहोल इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें उसमें बताया गया था कि उसने हर्षा को हराया था, डिफिटेड, तो ये वाली बात यहां से मिलता है। परमेश्वर, ये अपन ने चेक किया था। फिर हम आ गए थे कॉइंस पे,
एक तो सवाल आता था कि भाई कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक्स। तो ये सीधा सीधा सवाल आता है, और यूपीएससी वाला सवाल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर अपना एक वो रह गया है जो उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से आपका सवाल बनता है, ठीक है। और महामल्ला नरसिंह वर्मन को बोला गया था, चेरा चोला पांड्यास। ओके, ये 2020 का एडिशन है यार, लूसेंट का 2020, ठीक है। हेलो पलक। तो फिर उसके बाद अपना राजा राजा, राजा राजा ने, और चोला के ही होते थे राजेंद्र राजा राजा, ये अपने देखे थे राजेंद्र वन, उत्तर मैरूर मैंने आपको बताया था, तो ये अपना हो गया। कॉइन्स में अपने देखे थे अलग अलग तरीके के कॉइन आए थे, गोल्ड वाले मैंने बताया थे, सबसे पहले आते थे पंच्ड मार्क, उनमें नाम वगैरह नहीं लिखे होते, सिर्फ पंचिंग होती थी सिंबल्स की, और क्वाड्रिलेटरल ये शेप में होते थे। 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी, 400 साल तक ये रहे थे। इंडो बैक्टीरियन, यहां से ही सबसे ज्यादा जो आपके गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले अगर अपन बोले तो इंडो बैक्टीरियन, फिर रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने लॉन्च किए थे वो उसके नेक्स्ट वाले थे, और जो सबसे ज्यादा जिन्होंने लॉन्च किए थे वो थे गुप्तास, ठीक है। तो इंडो बैक्टीरियन के बाद ही वॉज द मतलब जो फर्स्ट थे इंडो बैक्टीरियन फर्स्ट, एक ये सवाल बनता है। रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने लॉन्च किए थे कुशाना रूरल्स, ये एक सेकंड सवाल बनता है। थर्ड जो अपना सवाल बनता है वो कि भाई सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो इन्होंने लॉन्च किए थे वो थे गुप्तास, गुप्ता में अलग अलग बताए थे इन्होंने, गरुड़ धनुधरी ये सब, चलो ठीक। फिर आपका राम गुप्ता था, राम ये मैंने ट्रिक कैसे बताई थी, डीजे और आरएस, आरएस यानी रूपक, और इसके नाम अपन ने ध्यान रखे थे, डी जी जी गोल्ड, दिनार जो आपका है वो है गोल्ड से रिलेटेड। अभी अगर किसी को स्पीड का कोई भी इश्यू आता है, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं पिछले वाले क्लास का, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा आज वाले क्लास, फिर से अपन स्लो से ही चलेंगे, डो नॉट वरी अबाउट इट। दिशा हेलो सर, करंट अफेयर मंथली 140 पेजेस है, इतना ज्यादा व्हाट टू डू। करंट अफेयर ये यार अब उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी हम भी करंट अफेयर का कोर्स लेके आएंगे, तो आप अगर चाहोगे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही कंसाइज रखेंगे हम, ठीक है। अब भी ये देखते हैं, फिर अपना ये गोल्ड कॉइन वाला हो गया, डीजी यानी दिनार किसका है, गोल्ड का, और रूपक किसका है, सिल्वर का। फिर आपके फॉरेन जो कॉइन्स थे वो अपन ने चेक किए थे, इसमें अलग अलग आपके आ रहे थे, तो यहाँ पे एक बार फिर से उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स में अपने अलग अलग वो हो गए, इंडिजीनियस जो थे हड़प्पा मोहनजोदारो ये आपके आ रहे थे, अर्लीस्ट टेम्पल दस अवतार टेम्पल अपन ने देखा था, देवगढ़ ललितपुर ये सबसे पहला जो मिल रहा था नगरा स्टाइल का, नगरा स्टाइल मैंने बताया था नॉर्थ, और जो साउथ का है वो अपन ने क्या चेक किया था, वो था आपका द्रविड़ा, और जो वेशारा अपन ने देखा था कि भाई स्टार के शेप में मिल रहे हैं या सर्कुलर शेप में मिल रहे हैं, अलग अलग शेप्स में आपके मिल रहे हैं वेशारा, ये अपन ने चेक किए थे सारे। उसके बाद आपका आता है लिंगराज टेम्पल, किसने बनाया था, केसरी किंग, ठीक है। तो ये हमने देखा था भुवनेश्वर, और ये सवाल मैंने आपसे पूछा था द्रविड़ा स्टाइल राजा राजेश्वरा, एंड ये जो टेम्पल था बृदेश्वरा टेम्पल, तो वो आपका बृदेश्वरा टेम्पल था राजा राजा, ठीक है, दो बार राजा बृदेश्वरा आपका। फिर आता है जो स्टैचूज अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन नेकेड वुमेन की जो सेट स्टैचू थी वो मिली थी, भीमबेटका केव्स में आपकी पेंटिंग्स मिलती हैं, अर्लीस्ट एविडेंस वो सारे यहाँ पे मिलते हैं, यूवी का नोट्स दे देना, ये लूसेंट है, लूसेंट आप मंगा लेना, लूसेंट जीके और इंग्लिश की आप मंगा लेना, ठीक है। वो आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, कहीं से भी मंगा लो इसको, और बाकी पीडीएफ है, पीडीएफ में सारे के सारे जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, बैच वाले स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिल जाएगी, आज ही मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। फिर हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल, ये तीन मैंने बताए थे जो बाहर है फॉरेन में, तो साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म सबसे ज्यादा था, इंडोनेशिया एंड यहाँ से आपका जो सबसे बहुत दूर, मैंने कहा था बहुत बहुत दूर, तो बहुत बहुत दूर कौन सा, ये शैलेंद्र डायनेस्टी का आपका जावा सुमात्रा में बुद्धिस्ट टेम्पल, बी फॉर बोरोबुदुर, बी फॉर बुद्धिज्म, ऐसा याद किया था अपन ने। देन वैष्णवा टेम्पल जो है वो आपका आ रहा है एंकोर वात कंबोडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया था कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो लेजर टेक्निक यूज करके एंकोर वात जो सिटी है उसका सारा का सारा जो एंशियंट है वो इन्होंने वहां से बताया था, ठीक है। जो थर्ड हमारा था पगोड़ा, पगोड़ा मैंने बताया था, पगोड़ा जहां पे भी आता है आप अगेन उसको बुद्धिस्ट से लिंक करेंगे, हमारे कश्मीर में भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, ये आपका आनंद पगोड़ा है, आनंद पगोड़ा पागन, ठीक है, ऑफ पागन, पागन आनंद, ठीक है,
ये अपना हो गया। सो आज का अपन लेक्चर शुरू करते हैं। अब अपना है प्री हिस्टोरिक पीरियड ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो इसमें से साइट्स जो हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। साइट में जैसे कि भाई नियोलिथिक साइट कौन सी है, पेलियोलिथिक साइट कौन सी है, मिजोलिथिक साइट कौन सी है, वहां से अपने सवाल बनते हैं। एक एनसीईआरटी में इसमें आपको बहुत सारे ये है कि भाई मैप्स मिल जाते हैं, उनकी जो साइट है वो तो आपको सारी की सारी याद रखनी ही है। एनसीईआरटी ये साइट अपने को पता होनी चाहिए सारी की सारी मैप्स वाले। तो एनसीईआरटी के अपन वैसे हिस्ट्री की भी ज्योग्राफी की भी अभी अंकित अलाव सर वो अपलोड करेंगे, 6th की 7th की, तो वो अपना रहेगा। और हिस्ट्री वाले भी जब अपन करेंगे तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आज अपन शुरू कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे नाम है याद करने के लिए। एक स्टोरी सी चलेगी, इसको स्टोरी फॉर्मेट में ही याद रखना है। जो जो नाम आएंगे इंपॉर्टेंट नाम, जो सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम के हिसाब से, वो मैं सारे बता दूंगा, उनको उसी हिसाब से देखना। ठीक है, और बाकी इसमें मैंने आज आपका पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक लिया है, दो ही देखेंगे। नियोलिथिक अपन कल देखेंगे क्योंकि नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करी गई है। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला तो देखो, बने ही कब, मतलब इवोल्यूशन कब से हुआ, प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा आता है अपना, 30 लाख से 600 BC तक का अपन प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। 600 के आसपास ये आपके बुद्धिज्म जैनिज्म इनका आ जाता है, 600 से लेके फिर अपना अलग सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो पहला सवाल यही बनेगा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या जाता है, अफ्रीका। तो यहाँ पे दो थ्योरी आपकी चलती है, यूनिटरी थ्योरी एंड पैरेलल थ्योरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिटरी एंड पैरेलल। यूनिटरी देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनियन यानी वन, यानी एक जगह आपका इवोल्यूशन हुआ, वहां से आपके बहुत सारे फिर माइग्रेट होके वो अलग अलग जगह इवोल्व हुए। तो ये है सिंपल यूनिटरी थ्योरी। पैरेलल थ्योरी क्या बात करेगी, वो ऑब्वियसली पैरेलल है कि भाई यहाँ भी जैसे अफ्रीका में, एशिया में, या फिर आप कहीं भी बोलो, तो वहां पे पैरेलली इवोल्व हुए यानी इंडिपेंडेंटली, तो वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो थ्योरी अपनी हो गई है, तो टू थ्योरीज। यूनिटरी क्या बोलती है कि इवोल्व फ्रॉम होमो इरेक्टस, एक नाम ध्यान रखना, होमो इरेक्टस सबसे पहले, और उसके बाद जो जैसे अपने आते हैं, जैसे वैसे तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, बट होमो इरेक्टस जो बायपेडल हुआ था, इरेक्ट क्या बोलते हैं, सीधा खड़ा हुआ, खड़ा यानी बायपेडलिज्म। ह्यूमन इवोल्यूशन में तीन चार चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं कि भाई फायर कब बनी, या फिर बायपेडलिज्म चलना कब अपन ने शुरू किया, यहां से आपके सवाल बनते हैं। और जैसे जो हमारा विजन है वो आपका सीधा देखने का जो विजन है वो आपका रहता है, या फिर हम बात करते हैं कि भाई जो थंब है इसको बोलते हैं ऑपोजिबल थंब, तो वो अपना बनता है कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपनी हो जाती है। तो अब देखो ह्यूमन इवोल्यूशन में ये डेट थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 50 लाख से कितने लाख है, ये देख लो इसको, वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख 10, यानी 50 लाख से 30 लाख तक तो यही चल रहा था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अब ये जो टेबल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वन बाय वन अपन इसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये देखो खड़ा हो गया, तो बायपेडलिज्म आपका शुरू हो गया 30 से लेके 1 लाख तक, 1 लाख से 40 हजार होमोसेपियन नियंड्रथल, और ये नियंड्रथल जो वैली है वो हमारी है जर्मनी में। तो एक सवाल ये बनेगा आपका। सेकंड जो फिर सबसे लास्ट जो आ रहा है होमोसेपियन सेपियंस, एक ये सवाल मैंने आपको बताया था क्लास में, चलो मैं अभी सबसे पूछता हूँ कि सेपियन सेपियंस सेकंड टाइम जो सेपियंस ऐड किया जा रहा है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्यों ऐड किया गया है। एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, जो भी है कि भाई इसका बताओ, पता है नहीं पता है, नहीं पता है वो बताना। 10,000 BC एक मूवी आई थी, तो वहां से ध्यान रखो कि होमो सेपियंस सेपियंस का यहाँ पे 10,000 BC, और उसके बाद सारा अपना अभी का जो पता है कि हाँ जी इवोल्यूशन और जो आपकी सिविलाइजेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई। इंपॉर्टेंस क्या है सबकी, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकन्स, ये अफ्रीका वाला था, अर्लिएस्ट बोला जाता है इसको, ऑस्ट्रेलियो सबसे पहला अर्लिएस्ट। एंड फिर होमो इरेक्टस में क्या हुआ, बायपेडलिज्म अपना शुरू हुआ है। फिर नियंडरथल वाला यहां से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, नियंडर वैली जर्मनी। उसके बाद अगर अपन देखें होमो सेपियंस सेपियंस, यहाँ पे दो तीन नाम आएंगे, क्रोमैग्नोन मैन या फिर कैन कैनकेलेरे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना कि क्रोमैग्नोन है वो फ्रांस के लोकल शेल्टर से उनके नाम पे रखा गया, क्रोमैग्नोन बहुत बार नाम आता है साइंटिफिक रिसर्च में, तो ये आपका चलेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमैग्नोन। और
ये अपना हो गया। फिर अपन देखते हैं इनके एविडेंसेस हमें कहां कहां मिले। तो सेपियंस पॉइंट नॉट क्लियर, मोर नॉलेज। देखो होमोसेपियंस, सेपियंस जो टर्म यूज करी जाती है प्रियंका, वो जो है आपकी नॉलेज से रिलेटेड यूज करी जाती है। जो इंटेलिजेंस हमारी है जैसे जैसे डेवलप होती गई तो हमने सेपियंस वर्ड उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैमल कौन सा है, एक तो ये सवाल बनेगा। तो इसका वैसे तो अपन बोलते हैं कि भाई जो डॉल्फिन है उसको सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल बोला जाता है। फिर आपके इंसान है वो इंटेलिजेंट है, तो जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ी तो होमोसेपियंस इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जब उसमें दूसरा सेपियन ऐड किया गया कि भाई अब इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई है कि अब सौदा बाहर हो गया है, ठीक है, समझ से बाहर हो गया है, इतनी इंटेलिजेंस बढ़ गई तो अब उसको यानी मोस्ट इंटेलिजेंट जो स्पीशीज अपनी आ रही है होमोसेपियन सेपियंस ह्यूमन स्पीशीज, इसलिए ये ऐड किया गया था। मनीषा गुड इवनिंग, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, इनके रिमेन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये इसी टेबल की फॉर्मेट में अपने को याद रखने हैं। तो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला है वो सिर्फ अफ्रीका, ओनली एंड ओनली। यहाँ पे एक फीमेल मदर ऑफ मैन जिसको बोला जाता है लूसी, एक ये ध्यान रखेंगे, एक सवाल ये हो सकता है, ठीक है। तो अफ्रीका, ओनली अफ्रीका एंड लूसी, ये दो ही चीज आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया बताया कैसे रिलेटेड। फिर अपना क्या आएगा कि भाई ये उसके आगे आने वाले हर जगह मिल गए। तो जो अपना नियंडरथल वाला है या फिर अपने ये जो है सारे होमो इरेक्टस होमो सेपियंस, ये सब जगह मिलेंगे। तो यहाँ पे अफ्रीका एशिया यूरोप सब जगह। इंडिया में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ऑफ स्क्रीन क्लियर है यार, आप इसको वो करो, अपने पिक्सल बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है, तब क्लियर और ज्यादा हो जाएगी। अब अपना इसमें आ रहा है हथनोरा, ये ध्यान रखना है हथनोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का विलेज है जहां पे ह्यूमन फीमेल स्कल। तो एक चीज ये याद रखना, पूरा का पूरा स्केल्टन नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ स्कल मिला था। तो एक चीज ये आ जाती है, ये किसका मिला, होमो इरेक्टस का। फिर होमोसेपियंस ये भी सब जगह मिले, एंड देन होमोसेपियंस सेपियंस भी सब जगह ही मिल रहे हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये अपने डिस्कस कर लिया, अफ्रीका ओनली, एक्सटेंसिव 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 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। स्पेशल फीचर्स क्या हैं, यहां से आपका सवाल बन सकता है। फ्री यूज ऑफ हैंड, जो मैंने बताया था ओपोजेबल थंब, तो स्पेशल फीचर जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है तो वो अपना आ गया। हाउ टू डू दैट, ये इसकी जो सेटिंग्स हैं, यूट्यूब की सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में आपको पिक्सल बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, वहां से कर लो, ठीक है। खोपड़ी के साइज, यस गुड इवनिंग पूनम। चलो अब अपना आ रहा है फायर, तो ये ध्यान रखना है पहले पे ऑपोजिबल थंब, सेकंड पे फायर। तो सेकंड वाला कौन सा है आपका, होमो इरेक्टस। फिर देन अब क्या हुआ, बहुत सारे उसके बाद जैसे एक इसको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो आ रहा है अपना उसमें नियंडरथल वाला, तो नियंडरथल से आपने डेड बॉडीज को बरी करना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मरे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी तो वहां से डिजीज फैलनी शुरू होगी। तो उन्होंने ये प्रैक्टिसेस ऐसे इवोल्व करी कि भाई इनको दबा दो या फिर बाद में जलाने वाली प्रैक्टिस, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जहां पे ओपन डंपिंग हम बोल सकते हैं डेड बॉडीज की करी जाती है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो वो अपना क्या रहेगा, फिर अपना है जो लास्ट वाला है, यहाँ पे तीन अपने ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस हैं, कोकसाइड मंगोलॉइड और निग्रोइड, तो ये अपने रहते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं इन एजेस पे, पहले तो अपन देखेंगे कि एजेस का डिवीजन, उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं और उनमें कौन कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है। एक आधे जियोलॉजिस्ट आएंगे, जैसे कल वाले एचसीएस में अपन डिस्कस कर रहे थे पेपर में, तो वहां पे एक लेडीज का नाम आया था तो वो बॉटनी से रिलेटेड थी, तो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट ये नाम भी डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो कौन है, निबा जोरास्ट्रियन। बाकी को भी आंसर करना तो फिर अपन बताएंगे, ठीक है। तो अब अपना लिथिक, लिथो मतलब क्या होता है, जो भी आपकी अर्थ है तो अर्थ से अपन रिलेट करते हैं इसको, स्टोन एज। तो इसमें अपने तीन चलेंगे, ठीक है। पहला पेलियो, पेलियो इज ओल्ड, तो पुरानी जो है वो है पुरानी, ओल्ड एज स्टोन एज वो आपका पेलियो। मीजो मतलब होता है बीच का, यहाँ पे ध्यान रखना एम फॉर मीजो, एम फॉर माइक्रोलिथ, आगे अपन देखेंगे। माइक्रोलिथ छोटे छोटे स्टोन्स के आपने वो बना लिए, जैसे कुल्हाड़ी से बना लेते हैं अपन, तो उस टाइप के माइक्रोलिथ यहाँ पे मेसोलिथिक में बनते हैं। फिर अपना आता है नियो, नियो मतलब क्या होता है, न्यू। तो यहाँ पे तीन चीजें आपके पास आ रही है, पेलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक, ये अपने हो गए तीन डिवीजन। शशि नहीं, निभा ने जो आंसर किया है, निभा वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब अपन देखे हैं इसमें जैसे पेलियोलिथिक, तो पेलियोलिथिक में क्या है,
30 लाख से 10,000 BC, जो 10,000 BC मूवी बनी थी वो मतलब पेलियोलिथिक टाइम पीरियड तक की थी, तो यहां से एक ध्यान रखना। और वो लोग क्या करते थे, उनकी जो लाइफस्टाइल, यहाँ पे दो चीजें हैं, लाइफस्टाइल एंड उनके जो टूल्स और वेपन्स होते थे, तो वो सिर्फ हंटिंग ही करते थे, उसमें हंटिंग करते हुए दिखाया है, कुछ मिल गया गैदरर, मतलब कोई आपका फल लगा हुआ है उसको तोड़ लिया, वो हो गया गैदरर। अभी तक क्रॉप आपने एग्रीकल्चर वगैरह शुरू नहीं किया है। और जो सेकंड चीज आती है, एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल रखना आपने कब शुरू किया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो पेलियोलिथिक है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे चॉपर, काटने वाटने, एक्स, क्लीवर, जो ये भी तोड़ने के काम आता है, ये सब होते थे। सवाल बनेगा माइक्रोलिथ कहाँ बनते थे, तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोलिथ आपका मेसोलिथिक में, यानी 9,000 से 4,000 BC, यहाँ पे भी हंटर और हर्डर इकट्ठे चलने के हिसाब से डोमेस्टिकेशन जो है वो हर्डिंग से शुरू हुआ। फिर अपने आते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक में आयरन की डिस्कवरी और एग्रीकल्चर जो अपना है वो शुरू हो गया था। तो 7,000 to 1,000 BC हम इसको टाइम पीरियड डिनोट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे पॉलिश्ड इंप्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, फूड आपने बनाना शुरू कर दिया है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2-3 सवाल यहां से बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखो। फिर अपना क्या आ रहा है, पेलियोलिथिक को अपन देखते हैं। आज वाले लेक्चर में अपन दो देखेंगे, पेलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक। अगर मैं नियोलिथिक को ले लेता तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता और आपका भी दिमाग खराब हो जाता, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ इवोल्यूशन इज इन आर्कियोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हाँ एंथ्रोपोलॉजी में तो आएगा ही आएगा, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, और उसमें पूरा वाला भी रहेगा। चलो कोई नहीं अंजलि, ठीक है। पेलियोलिथिक, पेलियो मीन्स ओल्ड, मैंने बताया, तो ये चीज ध्यान रखनी, ओल्ड स्टोन, लिथिक इज स्टोन, तो ओल्ड स्टोन इज एक ही आपका हो गया। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो इसकी डिस्कवरी हुई है पेलियोलिथिक की, तो वो कराई थी रॉबर्ट ब्रूस, RB, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। तो पैर पेलियो, पैर पेलियो, फूट फूट पैर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखोगे। पेलियो में पैर आ रहा है, पै फॉर पेलियो, पै फॉर पैर, पैर किसका है, फूट का, RB फूट, ऑप्शन में मिलेगा फूट, फूट पेलियो से ध्यान रखेंगे। एंड हु वाज ही, ये एक जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ या फिर उससे रिलेटेड चीजों को स्टडी करेगा, तो ये आपके GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक सवाल ये बनेगा, कब बनी थी, 1851, 1857 में अपनी क्रांति हुई थी, उसके 6 साल पहले, तो 1851, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा ये। अब इन्होंने कहाँ पे काम किया था, साउथ इंडिया में, आपका चेन्नई वाले में, तो चेन्नई में ये जो है चेंगलपेट, मैं जहां पे रहता था उससे थोड़ी दूर पहले, मतलब रहता क्या था, मतलब जहां से मैंने ग्रेजुएशन करी है चेन्नई, तो वहां पे चेंगलपेट होता था, तो चेंगलपेट में एक मेडिकल कॉलेज भी था, तो वहां आप उसमें वहां पे ये डिस्कवरी कर रहा है पलावरम, जहां पे भी वरम वरम इस टाइप की कोई भी चीज आए तो वो साउथ इंडिया की ही साइट मिलेगी, तो ये चीज आप एक अपने दिमाग में डाल लो, वरम एक चीज ये होगी। एंड इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री से पहले, प्री हिस्टोरिक में मैंने आपको क्या बताया था कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी वो है जो आपकी रिटन एविडेंसेस हमें नहीं मिलते, ठीक है। मनीषा आजकल बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके पता नहीं चलता, कई बार यूट्यूब की थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हो गई है। अब एक जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है अरुण सोनकिया, ये हैं जियोलॉजिस्ट जो अपन ने अभी देखा था हथनोरा एमपी में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो वुमेन का स्कल मिला था, उसका डिस्कवरी का सारा क्रेडिट किसको जाता है, अरुण सोनकिया। तो दो नाम अपने पास आ रहे हैं, ठीक है, एक तो फुट पैर रखा, पेलियो पैर, पैर पेलियो, तो फूट RB फूट आपका पेलियोलिथिक, और अरुण सोनारिया जियोलॉजिस्ट हथनोरा, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहीं से ही इंडिया को जैसा कि ग्लोबल मैप ऑफ हम बोले फॉसिल्स में, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका ह्यूमन स्कल है ये है होमो इरेक्टस का, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, हथनोरा होमो इरेक्टस। अब हम देखते हैं पेलियोलिथिक, जैसा इसमें अपन ने बताया था कि भाई यहाँ पे हंटिंग ही चल रही है, हंटिंग और गैदरिंग, और फायर की डिस्कवरी अभी तक जब तक नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक तो मतलब रॉ फ्लैश ही ये लोग खा रहे थे। तो अब पेलियोलिथिक को डिटेल में अपन देखते हैं, फूड कैसा था, प्रिमिटिव है, यस है, हंटिंग करता है, यस करता है, नेचर ने जो दे दिया खा लिया, मीट फ्रूट रूट ये सारे के सारे इनके हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं है, डिड नॉट नो,
कि भाई उगाया कैसे जाता है, वेजिटेबल्स कैसे लगाए जाते हैं, या फिर आपके मतलब जैसे हाउसेस पहले क्या होता था, केव्स में रहे, जहां भी रहे, जहां जगह मिल गई, ठीक है, सड़क का वो गाना है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, तो उस टाइप से कि भाई कुछ नहीं मिला तो हम कहाँ चले गए, केव्स में चले गए, तो वहां रहने लगे, नो हाउसेस, ठीक है। तो ये अपना पेलियोलिथिक है, तो संजय दत्त जो था वो पेलियोलिथिक था और वो कच्चा मीट खाता था। फिर आपकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ फायर, तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसी डिस्कवरी नहीं है, एक्सीडेंटल है। तो यहां से एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ फायर, एंड देन फिर इन्होंने क्या किया, फ्लैश जो है वो उसको अपने कुक करना शुरू किया, और रेडिएशन तो आप कर ही रहे हो। दो चीजें, इकोलॉजी भी थोड़ा सा बता देता हूं, दो चीजें अपनी आती है, प्रेडेशन एंड पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी जो रिलेशन रहती है वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो आपके लिए सवाल क्या है कि भाई किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो चलो ठीक, प्रेडेशन और पैरासाइट में क्या अंतर है बेसिकली, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा। देन अभी तक ये कवर नहीं करके रखते थे बॉडी को, तो क्लोथ्स जो हैं वो पहने बाद में शुरू करे हैं। अब क्या होता था, विंटर आ गई या फिर रेनी सीजन आ गया, तो यहाँ से रैपिंग रैपिंग आपने शुरू कर दी, पहनना शुरू कर दिया, रैपिंग ऑफ स्किन। एक मूवी आई थी अभी लियोनार्डो डी कैप्रियो की, तो उसमें भी वही था, उसने बताया था वो रैप करके पहनते थे, तो वैसा ही था, ठीक है। कॉमन सेलिज्म, नहीं नहीं मनीषा, कॉमन सेलिज्म नहीं है, कॉमन सेलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 1 मिनट, बस मैं 1 मिनट में आया। हेलो, ठीक है। तो अभी अपन जो देख रहे थे, ठीक है, चलो इसमें क्या है, जैसे कवरिंग ऑफ बॉडी मैंने आपको बताया, तो ये अब इन्होंने स्किन डालना शुरू कर दिया, तो ये आपका शुरू हो गया। स्किन के साथ साथ फिर जो ट्रीज और लीव्स हैं, तो लीव्स को उन्होंने डालना शुरू कर दिया, तो यहां से ये दो चीजें आपके आ गई। फिर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग से रिलेटेड, रहने को घर नहीं, खाने को बिस्तर नहीं, ठीक है, या सोने को बिस्तर नहीं, जो भी है। तो कोई सर्टेन ड्वेलिंग होती नहीं थी, केव्स में, फॉरेस्ट में लीफी ये रहते थे। सवाल अपना बनेगा भीमबेटका केव्स, वहां पे पेंटिंग्स, भीमबेटका केव्स जो है कौन से उसकी है, तो ये अपनी किसकी है, अगेन पेलियोलिथिक, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट है, पेलियोलिथिक साइट। पेंटिंग यहाँ पे मिली रॉकट, अपर एंड लेटर पेलियोलिथिक में ये आती है। अब ओनली फूड कंज्यूमर्स में अपन देखेंगे, तो इसमें अपन देखो कि भाई जैसे इनको एनिमल हस्बेंड्री नहीं पता कि भाई जैसे आज के टाइम पे अपन क्या करते हैं, मिल्क या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, क्रॉप कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, ये अपना चलता है, पर उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। सो दे कंज्यूम्ड ओनली फूड, ओनली ऑफ द फूड स्टफ्स, ठीक है। तो ये अपना नहीं है, पॉटरी जो आप बनाते थे, ये जो मतलब बर्तन टाइप, तो वैसा भी कुछ नहीं होता था, ठीक है, ये हो गया। जो डेड पर्सन है आपके, उसका डिस्पोजेबल से रिलेटेड क्या था, कुछ भी नहीं पता। ओपन स्पेस जो अभी मैंने सवाल पूछा था, तो ओपन स्पेस में ये लोग डाल रहे हैं, तो वो अपना हो गया, ठीक है। और ये जोरास्ट्रियन ही इसका करेक्ट आंसर है, पारसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है। कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनके लिए फूड, मतलब ये एक फिलोसॉफी होती है यूटिलिटेरियनिज्म। एथिक्स, यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एथिक्स का सवाल आता है, यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसॉफी, उसमें अपन पढ़ते हैं, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताए, ठीक है। मिडिल पेलियोलिथिक, यार इसमें तो अब लेटर पेलियोलिथिक ही लिखा हुआ है, मिडिल देखेंगे इसको, चलो इसको चेक कर लेंगे एक बार, मैं एनसीईआरटी से कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। ये ऐसी चीज है, देखो वोलेटाइल होती है, मेरे को भी उतनी मतलब इतना पता है कि पेलियोलिथिक, अपर मिडिल लोअर इतनी चीज ध्यान नहीं रहती, ठीक है, हमें तो अपन इसको देख लेंगे, ओके। अब अपन देखते हैं जैसे पेलियोलिथिक जो है,
तो पेलियोलिथिक में आपकी तीन चीजें आ रही है, लोअर, मिडल एंड अपर। तो लोअर जो है वो 30 लाख से 1 लाख, यहाँ पे वही चॉपर एंड हैंड एक्स या फिर क्लब। मिडल में जो आ रहा है वो फ्लेक्स, फ्लेक्स वही जो मतलब उन्हीं को ही बोलते हैं जो आपके टुकड़े से होते हैं और उनसे अपन एक्सेस वगैरह बनाते हैं, काटने वाटने के काम आते हैं, तो वो फ्लेक्स हो जाते हैं। अपर पेलियोलिथिक 40 से 10 हजार BC तक, यहाँ पे भी फ्लेक्स और ब्लेड्स आपकी बन रही हैं। लोअर में देखो, देखो लोअर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लोअर में आपके जैसे क्वार्ट, क्वार्टजाइट, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्वार्टजाइट जो है इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन। तो सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि क्वार्टजाइट जो है वो कौन सी उसमें बनेगा, तो ये लोअर पेलियोलिथिक। ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर। तो इसमें अलग अलग कल्चर्स हैं हमारे, ठीक है। तो कल्चर्स कौन कौन सी हैं, तो ये जिसको अपने लोअर को दो कल्चर्स में डिवाइड किया है इंडिया के कंटेक्स में, एक तो सोहन कल्चर ऊपर की तरफ, ठीक है, सोहन वैली जो है हमारी पंजाब और इधर, तो सोहन कल्चर है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, या फिर हैंड एक्स जो हाथ से यूज करते थे वो आपका आता है मद्रासियन यानी नीचे वाली साउथ इंडियन। तो ये हो गया। अब जैसे इसमें सोहन वैली पेबल क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स जो जैसे नदी के किनारे पड़े रहते हैं, पेबल फ्रिक्शन, पानी का फ्रिक्शन लग लग के वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं, तो इनको क्या क्या बोलते हैं, पेबल्स। चॉपर और चॉपिंग, तो इनमें क्या है, यूनिफेशियल पेबल, मतलब एक साइड से शार्प है एक साइड से रफ है। तो एक साइड से जो शार्प होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफेशियल पेबल, सिंगल एज्ड पेबल। तो ये आपके हो गए। चॉपिंग वाले क्या रहेंगे, डबल एज्ड। तो ये हो गया। हैंड एक्स वाला जो है इसमें ये दोनों साइड इंपॉर्टेंट है, बद मदुरई और अतिरम पक्कम। सीधा सीधा सवाल ये बनेगा, हैंड एक्स कल्चर कहाँ पाई गई, फर्स्टली तो बदमदुरई एंड अतिरम पक्कम, और ये कौन सी है, मद्रासियन कल्चर। आगे इस टेबल में सेम वही चीजें हैं कि हैंड एक्स क्या है, कोर, ठीक है, बड़े जो होते थे उनको कोर बोलते थे, छोटे जो है उनको फ्लेक्स बोलते थे। फिर आपका आता है क्लीवर, क्लीवर जो है वो तोड़ने के काम आता है, स्प्लिट, जैसे बार्क ऑफ ट्री आपको उतारनी होती है ना, वो काम आती है। अब जैसे एनवायरनमेंट में अपन ने किया था बार्क, जो आपकी बाहर वाली है, यहाँ पे जैसे जाइलम होता है आपका जो पानी को लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो आपका फूड को लेके जाता है। अब आप लोगों के लिए सवाल क्या है कि अगर ये प्लांट है, मतलब ये एक प्लांट है, तो इसमें आउटर लेयर कौन सी है, जाइलम है या फ्लोएम है। सिंपल सवाल है साइंस का, और आप बताइए इसको, ठीक है। प्लांट में आउटर लेयर जाइलम की होती है या फ्लोएम की होती है, तो ये आपके हो गए क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, स्क्रैप करना, अगेन बार वाला ही हो गया। अब हम देखते हैं लोअर या फिर अर्ली पेलियोलिथिक जो साइट है उसकी कौन कौन सी आपकी इंपोर्टेंट साइट्स हैं। तो अपन पंजाब में देखे पाकिस्तान, अगेन सोहन वैली एंड इसमें पोतवार, याद रखना जो जो इंपोर्टेंट रहेंगे मैं वही पढ़ूंगा, सारी की सारी साइट्स नहीं बताने वाला, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है याद करने के लिए, तो उस हिसाब से अपन नहीं लेंगे। तो ये आपकी होगी सोहन वैली पोतवार साइट, ठीक है, एक ही हो जाता है। कश्मीर में लिदार वैली और पहलगांव, तो ये पुरानी। फिर हिमाचल में अपना है, हिमाचल में व्यास, व्यास और वैनगंगा या फिर सिरसा, ठीक है। अब दो ट्रिब्यूटरी होती है, पेन गंगा वैन गंगा, ये कौन सी नदी की है, एक सवाल ये बताओ, ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। पेन गंगा वैन गंगा एक साउथ में अपने रिवर फ्लो करती है, उसकी ये ट्रिब्यूटरीज है, वो क्या है, फ्लोएम, 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 जाइलम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोएम, फूड वाली। तो अपन इसको काट देते हैं तो फूड ऊपर डिपॉजिट हो जाता था, बचपन एनसीईआरटीज में है ये, 6 से 10th के एनसीईआरटीज में साइंस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो फ्लोएम इज द आउटर लेयर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जैसे ये तो हो गया हिमाचल, हिमाचल में व्यास और सिरसा, सिरसा तो अपने हरियाणा में ही है, नलगढ़, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं राजस्थान, राजस्थान में सबको पता है चंबल एंड गंभीरी और दिदवाड़ा, दिदवाड़ा में एक लेक भी है सोन लेक, तो वो दिदवाड़ा से ध्यान रखते हैं। एक आंसर आ रहा है कृष्णा, एक आ रहा है गोदावरी, इसको बोला जाता है साउथ इंडिया की गंगा, वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गुजरात, गुजरात में क्या है, साबरमती ये पता है और हिरणा, ये दोनों ध्यान रखने हैं गुजरात के कंटेक्स्ट में। फिर आपका हिमाचल, हिमाचल में वही अपना नर्मदा और अरुण सोनाकिया होशंगाबाद, ये अपन ने देख लिया हथनोरा। यूपी, यूपी में क्या है, बेलन मार रहे, तो यूपी या फिर बेलन से रोटी बना रहे हैं, कैसे भी याद रखो, ठीक है। तो बेलन रिवर ये सीधा सीधा ये आ सकता है, कौन से उसमें है, तो यूपी। तो बेलन तोंस, तोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक सवाल ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी
गोदावरी, ठीक है, इसका गोदावरी करेक्ट आंसर है, गोदावरी पक्का। ठीक है, टोन्स किसकी है ये बताओ मेरे को। अब बिहार, देखो बिहार में मुंगेर है, तो मुंगेर और राजगीर, राजगीर भी अपने को पता है, ठीक है, राज आया था तो यहाँ पे ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मैंने बताया था, राज वैशाली को पटाके कहाँ लेके गया था, कश्मीर में, तो राज वैशाली और पाटलिपुत्र एंड कश्मीर की जो साइट थी वो, तो ये चार साइट होगी अपनी, और बुद्धिज्म की साइट होगी 1, 2, 3, 4 बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा थोड़ा बीच बीच का अपन वैसे भी देखते रहेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे बिहार में ये होगा, झारखंड में क्या है भाई, झारखंड में ये सारे रहते हैं, सिंहभूम, संथाल, परगना, हजारीबाग, रांची, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है बीरभूम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो सिंहभूम है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में बीरभूम और मिदनापुर, मिदनापुर सबको पता है वेस्ट बंगाल, बट बीरभूम ध्यान रखना, ये आपका बन सकता है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में है बुहार, वलांग वैली एंड मयूरभंज, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, बुहार, वलांग वैली, ये अपने को ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में आपका है परवरा, परवरा रिवर वैली, नेवासा या गोदावरी, जो अपना है, जो मैंने अभी सवाल पूछा था। कौन सी, यमुना, प्रियंका, निभा, हॉक, श्वेता, ठीक है, यमुना इज द राइट आंसर टोन्स का, ठीक। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश, देखो ये इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन साइट्स आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कल जो अपन ने एचसीएस का पेपर डिस्कस किया था, तीन सवाल थे उसमें साउथ के ही, वो क्या है ये क्या है, तीन से चार सवाल, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट सिंपल सवाल होते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या है, कुरनूल, चित्तूर, नागार्जुन कोंडा, नलकोंडा, कुडप्पा, नेलोर, ये ध्यान रखना है। कर्नाटका में क्या है, मालप्रभा और घाटप्रभा, ये आपकी रिवर थी, दोआब, दो मतलब दो रिवर्स का बनता है, तो मालप्रभा घाटप्रभा रिवर, ये एनसीईआरटी में भी मेंशनड है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु में अपना आ रहा है कोर्तालयार रिवर वैली या पल्लावरम, पल्लावरम तो अभी देखा था, वरम वरम जहां आएगा वो यही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट साइट है पेलियोलिथिक, जो किसने डिस्कवर करी थी, फूट, पेलियो, पेल, ठीक है, पैर, फुट, जियोलॉजिस्ट, जीएसआई, जीएसआई कब बना था, अभी अपन ने पढ़ा है, इसका कमेंट करो, जो जो बता सकता है जीएसआई के जो ईयर है, आज ही देखा है, तो जीएसआई का ईयर, ये आपके लिए सवाल। अथरम्पक्कम, बदामदुरई, ये अपने हो गए, ठीक है। अब हम बात आते हैं मिडल पेलियोलिथिक, इसको बोलते हैं एज ऑफ फ्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्स जो अपने देखे, सिंगल एज, डबल एज, ये बनने लगे, गुड क्वालिटी, किस किस के, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट, ये ध्यान रखना, ये क्या है, स्टोन्स है, ठीक है, चर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्ट जो आपका है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में भी बार बार नाम आता रहता है, तो चर्ट ध्यान रखना है, ठीक है, जेस्पर भी आता है और ये भी, वेरी गुड, 1851, 6 साल पहले 1857 से, ठीक है, ठीक है, 1851, वेरी गुड, मतलब सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। चलो मिडिल पेलियोलिथिक, अब मिडिल पेलियोलिथिक में अपना क्या आएगा, यहाँ पे जोवा जान आपका आता है अफगानिस्तान का, यहाँ पे है शनगोवा के, शनगांव, एक ये चीज ध्यान रखना, बाकी नाम लगभग रिपीट से ही रहेंगे और कॉमन से रहेंगे, तो जोवा जान, जान जैसे अफगानिस्तान और इंडिया, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो अगर आप देखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन है, 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया कर चुका है पाकिस्तान में, हाँ सॉरी अफगानिस्तान में, वहां की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, बहुत सारी लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, तो ये मतलब सॉफ्ट कैपिटल या सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट अपन इसको बोल सकते हैं, तो ये अपना हो गया। फिर पंजाब में अगेन सोहन वैली, जम्मू कश्मीर लिद्दार वैली, पहलगांव, ठीक है, हिमाचल का सेम, राजस्थान लूनी रिवर, एक तो लूनी रिवर, ये सवाल आया था यूपीएससी में कि लूनी रिवर है वो कहाँ पे जाके एकदम से गायब हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लूनी रिवर, आई थिंक ये यूपीएससी में था या एचसीएस में, नहीं, एचसीएस में नहीं था, यूपीएससी में ही था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तालिबान इशू, कोई नहीं, ठीक है, तो राजस्थान लूनी हो गया, गुजरात में फिर अपना सौराष्ट्र और कच्छ, ये तो पता ही है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। फिर अपना आता है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे भीमबेटका केव्स और पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पांडव, प्रताप, सिंहवाल, समनपुर, ये इंपॉर्टेंट नाम है। यूपी में सिंगरौली बेसिन, ये ध्यान रखना, सिंगरौली बेसिन यूपी, मिर्जापुर, मिर्जापुर सीरीज बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो कितने लोगों ने देखी है, दे कैन कमेंट कि
कि हाँ जी देखी है, बहुत अच्छी सीरीज है, ठीक है, मतलब फाइनेस्ट एक्टिंग, फाइनेस्ट सब कुछ, वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज मिर्जापुर। फिर देखो हमीरपुर, हमीरपुर एक जगह हिमाचल में भी है, बट हमीरपुर यूपी में भी है। हमीरपुर प्लेन्स आते हैं आपके, ठीक है, हमीरपुर प्लेन्स ये झांसी के आसपास वाला जो एरिया रहता है वहां पे रहते हैं। तो झांसी ललितपुर ये आपकी मेसोलिथिक, सॉरी इसकी मिडिल पेलियोलिथिक की साइड होगी। झारखंड में अगेन सिंहभूम पलमाऊ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में बुहार वेलांग वैली, ठीक है, महाराष्ट्र में कांदिवली, कांदिवली बोरीवली, ये आते हैं नाम आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड, ठीक है, बेलपंडारी, सूरेगांव, कालेगांव, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अपना कुरनूल, नालगोडा, ये अपने देख लिया, कर्नाटका का भीमा हुंशी कैनाल, गुजरात के रण में, अमित बिल्कुल सही है यार, गुजरात के रण में सिंगरौली याद रह गया फ्रॉम, ठीक है, कोई नहीं शशि, देख लेना इसको, बहुत अच्छी सीरीज है। डीडीएलजी सवाल आ सकता है, ठीक, अब अपन इस पे आते हैं, तमिलनाडु, अतिरा, ये सारे हो गए, अतिरापक्कम अपन ने देखे, गुडियम, गुडियम ध्यान रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक। अपर पेलियोलिथिक, अब उसके जो लास्ट आ रहा है पेलियोलिथिक में, यहाँ पे आपके फ्लेक्स और ब्लेड्स बन रहे हैं सारे, अब इसकी भी साइड्स देख लो, देखो सेम से ही चलेंगे, ये अपन ने देख लिया, जोरगांव, जोवा, जान 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 हमारी कौन है, अफगानिस्तान, सनगांव, ठीक है, और पंजाब, इंडस वैली आपका रहेगा, तो यहाँ पे रोहरी, राजस्थान, बूदा, पुष्कर, विशाड़ी, ये नए नए नाम आ रहे हैं, विशाड़ी गुजरात में है, मध्य प्रदेश का सेम ही है, भीमबेटका, जोगदाहा, रामपुर, बाबुरी, ये इंपॉर्टेंट थोड़े से नाम हो सकते हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, कोई इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। यूपी आता है, यूपी में क्या है, बेलन, बेलन में बताया था यूपी वाला, तो यहाँ पे एक मूर्ति मिली थी मातृ देवी की, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी, लोहंदा नाला रीजन, मेजर डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, तो इलाहाबाद ध्यान रखना है, यूपी इलाहाबाद ही ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। झारखंड अगेन सिंहभूम, महाराष्ट्र जलगांव, पटने, बढ़ने, इनामगांव, इनामगांव एक इंपॉर्टेंट साइट है आपकी पेलियोलिथिक, इनामगांव एनसीआरटी में भी मेंशनड है, इनामगांव ध्यान रखना, आंध्रा की सेम वही कुरनूल, पुरनूल सब ध्यान रख लेना, ठीक है, बेतम चेरला, ठीक है, कर्नाटक की गुलबर्ग, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा, गुलबर्ग एक कश्मीर की भी जगह है, कर्नाटक से ध्यान रखना, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एनसीआरटी के उसमें है, ये इनामगांव, गुलबर्ग, ये सारे एनसीआरटी मैप में भी दी हुई है सर, ये सब याद नहीं रहता, कोई नहीं, याद नहीं रहता तो कोई नहीं, अपने को कंप्लीट करना है, दोबारा देखोगे तो याद रह जाएगा, तिबारा देखोगे तो याद रह जाएगा। यहाँ पे देखो एक आधा सवाल बन, ये थोड़ा सा ये है कि यहाँ से सवाल बन जाते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को, ठीक है, पर ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना याद रह जाए उतना ठीक है, सबके लिए सेम प्रॉब्लम है, ये वोलेटाइल स्टफ है, वोलेटाइल, टू मच वोलेटाइल, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, रिविजन से याद रहेगा, ठीक है, कश्मीर की एक साइड है बुरजुम, वो इंपॉर्टेंट है पर वो नियोलिथिक है। चलो आगे देखते हैं, कर्नाटक, कर्नाटक में ये हो ही गया, तो अपना अब आ रहा है मेजोलिथिक, अब अपन देखते हैं मेजोलिथिक में, मेजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, ये 9000 से 4000, मिडिल मेजोलिथिक, इंटरमीडिएट बीच का हो गया ना, ट्रांजिशन स्टेज है कि भाई जो पुराने वाली प्रैक्टिसेस हैं वो तो आपकी सारी की सारी मतलब चल ही रही हैं, और जो नई आने वाली है नियोलिथिक वाली वो हमने अडॉप्ट करी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेसोलिथिक में आपका जो इंपॉर्टेंट नाम है जोहन इवंस, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था शक्कर और रोहरी, ये आर्कियोलॉजी सिंध में 1866, इतना पुराना एक्सकेवेशन चल रहा है। अब इसमें करते क्या थे, देखो उस टाइम तक तो अपन को रखते ही थे, यहाँ पे टैमिंग मतलब हंटिंग तो चल ही रही है, डोमेस्टिकेशन, अच्छा आपके लिए ये सवाल है, फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन था, ये एक सवाल बन सकता है, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, तो यहाँ पे काउ, बुफेलो, ये तो अपने सारे चल ही रहे हैं, सबको डोमेस्टिकेट अपन करते ही है, ये हो गया, बरियल यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि हाँ जी अब दबाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, इंसान को फिर आप बरी करने लग गए, इसके जो एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं सरनिहार राय या मेहदाहा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी, ये ध्यान रखना, फिर आपके फूड स्टफ, टोल, वेपन्स, ये क्यों करते थे, बरी क्यों करते थे, बरी इसलिए करते थे, इन्हें लगता था कि लाइफ जो है मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म ट्रांस मतलब आप जो बोल सकते हैं वो अपना चल रहा है, ठीक है,
इस वजह से बरी करते थे, और साथ में कुछ रख भी देते थे, कभी फूड भी मिलता है या फिर उनके पेट एनिमल्स जो रहते थे उनको भी। तो कई इसमें जो अपने आदमगढ़ है, आदमगढ़ तो यहाँ पे डॉग का स्केल्टन मिला है, डॉग हॉक सचिन डॉग, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ निशा अंतिल, ठीक है, हाँ बिल्कुल डॉग इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप चलो, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाथीनोरा में ओनली एंड ओनली ह्यूमन स्कल मिला है, ना कि कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। अब हम आते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या है, छोटे 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 माइक्रोलिथ। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एम फॉर मेसोलिथ, एम फॉर माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ में अपने क्या आ रहे हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ छोटे छोटे स्टोन्स, वेरी टाइनी, 1 to 8 सेंटीमीटर। तो ये अपने रहते हैं अलग अलग शेप में, आपके ट्राइंगल्स, लोनेट्स, एरो हेड छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसमें यूज करते थे हंटिंग के लिए, ये अपने हो गए, ठीक है। अब मेसोलिथिक साइट्स, अब अपने को देखना मेसोलिथिक साइट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में कोथावरी रिवर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अमित मेहता, मेरे सीनियर हैं बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो वो है भीलवाड़ा से, ठीक है। तो भीलवाड़ा मेसोलिथिक छोटे छोटे स्टोन, ऐसे ध्यान रख सकते हो कैसे भी, कोठावरी रिवर, ठीक है, भीलवाड़ा तिलवाड़ा ये अपने चलेंगे। गुजरात में मेहसाणा, मेहसाणा एक नस्ल भी होती है किसकी, ये बताओ मैं, ठीक है, किसकी नस्ल होती है ये, पाई जाती है अपने हरियाणा में, फेमस जो मतलब हम बोल सकते हैं आपकी उसमें आता है मेहसाणा, ध्यान रखना है मेहसाणा, बताओ किसकी एक नस्ल है। पावगढ़, तरसांग ये आपके चलेंगे। फिर देखो एमपी में क्या है, एमपी में आपके आदमगढ़, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप ध्यान रख लेना, और भीमबेट का तो पता ही है। बस 2 मिनट और रह गए हैं लेक्चर के, उसके बाद अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इसमें अपन देखते हैं अब यूपी, यूपी में हमारी आ रही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, धमदाना मेजर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको मेसोलिथिक एविडेंसेस मिल रहे हैं, याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। बिहारगढ़ में क्या है, राजगीर, अंबारपुर, दौलतपुर, राजापुर, ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी ठीक है। झारखंड, झारखंड में अपना क्या आ रहा है, पलमाओ, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बीरभनपुर, ये मैंने बताया था बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, मयूरभंज, कुचई, शशि सचिन काओ, श्वेता काओ, शशि बफेलो डॉग सोहन, कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार, डॉग, डॉग की नस्ल नहीं है, एक मैसाना ब्रिड, रजनी, यस ठीक है, मुर्रा और मैसाना, मनीषा रजनी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, भैंस की, भैंस की आंख, ठीक है, तो मैसाना इस भैंस की आंख। कर्नाटक, कर्नाटक में अपना क्या आ रहा है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जलहाली, ठीक है। तमिलनाडु, तिरुनेल वेली ध्यान रख लेना, और मग्नापुरम, पूरम, रम रम मैंने बताया, हम जहां भी आएगा वो आपका साउथ इंडिया, ठीक है। तो लगभग ये जो अपना है वो हो गया है मेसोलिथिक। नेक्स्ट लेक्चर कल अपन करेंगे नियोलिथिक साइट्स, न्यू स्टोन एज, और ये तो अपना रात में रहेगा, बट मॉर्निंग में याद रखना 6 AM जो अपना डिस्कशन चल रहा है, पॉलिटी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो चौथा लेक्चर अपना इसका रहेगा, इसकी बैटरी भी सही टाइम पे लो हुई है, तो ये चीज कल सुबह मिलते हैं 6 AM, लिंक आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करना और जुड़ जाना, सुबह पेपर डिस्कस करेंगे पॉलिटी का, काफी अच्छा, वहां पे जो भी जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हर चीज से इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर हरियाणा के हिसाब से प्रायोरिटी वाइज सेकंड लूसेंट, इन दोनों को पैरेलली भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई टू मेक मोर वीडियोस सर पनवरक्स, डेली 2 वीडियो आ रहे हैं, इससे ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, और धीरे धीरे ही बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसा नहीं है कि बना दिए भर गया, बाकी ठीक है, जुड़ो देखो, चलो। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।